क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। सो यहाँ पे हमें जो एक एक्सपांशन दिया है हमें इसे फैक्टराइज करना है। सो वी आर गोइंग टू यूज़ द फॉर्मूला a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, दैट इज़ इक्वल टू a + b + c होल स्क्वायर। सो जैसा हम देख सकते हैं कि हमें पूरा एक्सपांशन को एक ट्राइनोमियल के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सो वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे ये एक्सपेंशन को देखते हैं। तो फर्स्ट जो तीन स्क्वायर टर्म्स हैं सबसे पहले हम उनको चेंज करते हैं। सो इट इज़ 2x होल स्क्वायर। 9y² इज़ देयर, उसको हम लिख सकते हैं 3y होल स्क्वायर। 16z² है, इसको हम लिख सकते हैं 4z² ना। 12xy इज देयर, 24yz और 16xz। तो इनको हम कैसे ब्रेक करेंगे, हम यहाँ पे तीन टर्म्स देखेंगे, 2ab 2bc 2ca। सो वी राइट डाउन हियर 2ab। सो ए का वैल्यू है 2x, बी का वैल्यू है 3y, देन 2bc। सो बी का वैल्यू है 3y, सी का वैल्यू है 4z, देन 2ca 2ca। सो 2c का वैल्यू 4z, ए का वैल्यू 2x। हमने ये सारी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पुटअप कर ली हैं। नाउ अब हमें माइनस वैल्यू पे ध्यान देना है। माइनस वाली वैल्यू कौन सी है, -16xz एंड -24yz। तो इन दोनों वैल्यूज़ में हम देखते हैं कि z कॉमन है, दोनों टर्म्स में z कॉमन है। तो हम z वाले टर्म को नेगेटिव कर देते हैं। जहाँ जहाँ पे z है, -4z है, 4z है, माइनस कर देते हैं हम। 4z होल स्क्वायर है, हमने यहाँ पे माइनस लगा देते हैं हम। सो जहाँ जहाँ z वाला टर्म है वहाँ पे हम माइनस यूज़ कर लेते हैं। सो नाउ ए हो जाता है 2x, बी हो जाता है 3y एंड सी हो जाता है -4z। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये एक्सपांशन चेंज हो जाता है a + b + c होल स्क्वायर में। दैट मीन्स 2x + 3y - 4z होल स्क्वायर। सिमिलरली फॉर पार्ट टू, 2x² + y² + 8z² -2√2xy + 4√2yz - 8xz। यहाँ पे भी हम सबसे पहले जो तीन स्क्वायर टर्म्स हैं उनको कन्वर्ट करते हैं। सो 2x होल स्क्वायर। नाउ वी नो दैट 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, हम जानते हैं 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम √2 ले लेते हैं। वी पुट रूट ऑल्सो एंड स्क्वायर ऑल्सो। तो 2 जो है वो √2 का होल स्क्वायर बन जाता है। y एज इट इज़ y स्क्वायर। 8z, नाउ 8 किसका स्क्वायर है। सो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जो किसी का स्क्वायर नहीं होता हम उस पे ही रूट लगा देते हैं। सो वी राइट डाउन 8 एज √8 होल स्क्वायर फॉर द टाइम बीइंग। अभी हम लिख लेते हैं √8 z होल स्क्वायर। देन कम्स 2ab, ए इज √2x, बी इज y, 2bc, बी इज y, सी इज √8z, देन 2ca, सी इज √8z एंड ए इज √2x।
हमने सारी वैल्यूज पुट अप कर ली। अब हम माइनस वाली वैल्यूज को देखते हैं, दैट इज माइनस टू रूट टू एक्स वाई एंड माइनस एट एक्स जेड। इन दोनों में कॉमन वेरिएबल है एक्स, तो हम एक्स वाले टर्म्स को नेगेटिव करते जाते हैं। रूट टू एक्स नेगेटिव, हियर ऑल्सो रूट टू एक्स नेगेटिव, आगे लास्ट टर्म में है रूट टू एक्स, वो भी हो गया नेगेटिव। सो इस तरीके से हमें ए मिल जाता है रूट टू एक्स, बी मिल जाता है वाई एंड सी मिलता है रूट एट जेड। सो वी राइट हियर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताना है, तो रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस रूट एट जेड होल स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं हम, रूट एट जो होता है ना, दैट इज रूट ऑफ टू इंटू टू इंटू टू, तो टू का पेयर बन जाता है, टू बाहर हो जाता है और एक टू अंदर रह जाता है, तो रूट एट की जगह हम टू रूट टू लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड होल स्क्वायर।